राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा के गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कह दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया और कहा कि उनके पास जमीन के सभी कागजात हैं। मामला डीएम तक पहुंच गया है और डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीधा जरा आप ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा फतुहा पटना से जुड़ रहे हैं अधिक अपडेट्स के साथ। रितेश, ये पूरा विवाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से वो बोर्ड लगाया गया जिसमें दावा किया गया कि संपत्ति उनकी है, वो गहराता हुआ नजर आया। और आज तो इसमें अपडेट ये भी आई कि बीजेपी ने अपने नेताओं को भी भेजा वहां पर, उन्होंने भी लोगों से मिलकर बातचीत की। क्या इस वक्त स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज लगातार पहले दिन से हम इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और हम पहले भी इस गांव में आए थे और प्रमुखता से खबर जब हमने दिखाई तो जो भी हुक्मरान हैं, जो भी नेता हैं, सभी के कान अब खुल रहे हैं और लोगों की परेशानी उन तक पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि अब तो आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लेकिन इंडिया न्यूज जिम्मेदार चैनल है, हम ऐसा नहीं कि खबर दिखाते हैं और फिर उसे कैजुअली छोड़ देते हैं। हम फिर दोबारा इस गांव में आए हैं और एक बार फिर से समस्याओं को सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की हालात क्या हो रही है कि बिहार की राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गांव और गोविंदपुर कुर्था इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए कि हिंदू जो हैं वो पलायन करने को विवश हैं, पलायन कर सकते हैं क्योंकि इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। आप उठ खड़े होइए, ये बताइए कि अभी गांव में स्थिति क्या है, क्योंकि पूरे देश में आपकी अब आवाज़ जा रही है। लोग सोचने पर विवश हो गए हैं कि जहां पर हिंदू आबादी की बहुलता है अब वहां पर ये स्थिति हो गई कि आपको ही नोटिस जारी कर दिया गया। क्या चल रहा है गांव के लोगों के मन? मैंने हमें नोटिस दे दिया गया है और ये हमारे खतियानी जमीन है, उनके बारिश हैं। तिनकौरी लाल यहाँ के जमींदार थे और उन्हीं के नाम से खतियान है जिनका ये बारिश हैं, परपोते हैं और उनको हमको नोटिस दे दिया गया है। डीएम ने हमें दिया, उसके बाद हाफिडेविट हाई कोर्ट में किया है कि हमने आपका जमीन एक्वायर किया है, हाई कोर्ट से मिला, उसके बाद भी वो हम पर दावा कर रहे हैं। क्या, अच्छा ये बताइए कि नोटिस जारी जब हुआ, कब नोटिस जारी हुआ और पहली प्रतिक्रिया उस समय आप लोगों की क्या थी? ये 18/1/2023 को नोटिस दिया तो हम लोग घबरा गए, अब बहुत विवश हो गए कि कहाँ जाएंगे, क्या करें। लेकिन समाज का सहायता मिला, थोड़ा सा सहयोग किए कि आगे बढ़े तो सीओ से लेकर के डीएम तो होते हुए फिर हाई कोर्ट की ओर गए क्योंकि हमसे एक्वायर किए थे उन्होंने जमीन को और उनके वंशज जो हैं अभी भी रह रहे हैं घर में इनका। नहीं, एक फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। देखिए एक बार जो मेरे सहयोगी हैं अभिषेक, दिखाइए, बड़ी तादाद में भीड़ है और अभी 7 घरों को नोटिस आया है और स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में तकरीबन 600 घर जो हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसकी मनमानी से परेशान हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये 7 घर जो हैं यही परेशान होंगे, आने वाले समय में बाकी जो लोग हैं वो भी परेशान होंगे। अब आप उठ खड़े हुई, आपका क्या नाम? अशोक कुमार मेहता। आप तिनकौड़ी लाल जी के क्या? परपोत्र। हाँ, मैं गया था, पहले भी हमने खबर की और काफी गंभीरता से खबर की। जो बबलू हैं, जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं आपके, उन्होंने जो बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड का, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो जितनी जमीन है और जो वक्फ बोर्ड को जमीन दान की गई है, ये जमीन कोई तिवारी जी ब्राह्मण थे, उन्होंने दान की। तिनकौड़ी लाल के जो का जो खानदान है उसका कोई अता पता नहीं, ये उनका दावा। अच्छा ठीक है, तो तिनकौड़ी जो ये खतियान है तिनकौड़ी लाल के नाम से, तो ये हम बनाया है? खतियान कहाँ से आता है? तिनकौड़ी लाल का खतियान कौन बनाया है? वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ जानता नहीं है यहाँ के जमींदारी में। तो देखिए एक बार चंदन में दिखाना चाहूंगा कि ये क्रमिक खतियान है और काफी ऑथेंटिक कागजात माना जाता है और इसमें सारी चीजें जो है ना वो लिखी रहती हैं। और देखिए कि यहाँ पर ये 1908 का खतियान है और यहाँ पर लिखा हुआ है बकायदा तिनकौड़ी लाल वल्द मोतीलाल कौम कोयरी शाकिन दे, तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं इसमें लिखी हुई हैं। तो ये आपके पास कागजात है, इसके बाद भी वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर रहा है, यही तो लोग जानना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड को किसने दिया, कौन दिया, ये तो पता नहीं चल रहा है। तब देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप आ गए, आइए मास्टर साहब आ गए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं वही वक्फ बोर्ड भी हमें दिखा रहा है। तो हमारा डॉक्यूमेंट इनके परदादा के नाम से है, इनके खतियान यहाँ के जमींदार थे, तो ये डोनेट करते इनके बंसद तब उनके पास कोई कागजात है तो दिखाते, हाई कोर्ट में क्यों नहीं दे दिए? ये हमारा पूरा मैंने बिहार सरकार, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार से जमीन एक्वायर किया है, रोड से लेकर पूरा जमीन अभी भी मेरा ही है, सब मेरा ही है। एक और बात मुझे पता चली कि सिर्फ यही घर नहीं बल्कि आप आ जाइए, आप मौजूदा वार्ड पार्षद हैं, ये बताइए कि मैंने जानकारी ली तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ ये 7 घर ही नहीं, आने वाले समय में 600 घर प्रभावित हो सकते हैं। बबलू मियाँ जो है वार्ड पार्षद 10 वर्ष रहे, अभी भी वक्फ बोर्ड का सदस्य है। बोर्ड जब टंगा तो हम लोग को नॉर्मली समझे कि भाई दरगाह का जमीन होगा, जब उस बोर्ड पर अंकित खाता है 128 130, खेसरा 199, 217 और 219, 217 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, 219 प्लॉट जो है बिहार सरकार का जमीन है, न बक का जमीन है, न कब्रिस्तान का, हिंदू का ही खतियान वो भी बोल रहा है, उसको अपने रसीद में ऐड कर लिया 219 खाता और ऐड करके वहाँ पड़ी अपने कौम को बसा के महीना तसीली करने को तो काम है। तो इसके पीछे वजह क्या लग रही है आप लोगों को, वजह क्या लग रही है? तो देखिए एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, चलिए जो कहा जा सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो सकता है मामला, हिंदू मुस्लिम का इसमें फैक्टर बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो हैं ये आम घरेलू महिलाएं हैं, ये झूठ नहीं बोल सकती हैं, इनकी क्या परेशानी है इनसे भी जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा? शीला देवी। अच्छा, ये जो घटना है पता ही है कि बोर्ड ने लगा दिया है कि नहीं ये जमीन हमारी है, तो अब क्या घर में माहौल क्या है? क्या माहौल है, गरीब आदमी है और हमको कुछ नहीं है, ये बेघर कर दिए हैं, हमको कुछ नहीं है, 2-3 खंडा जेवर बेच के हम केस लड़ रहे हैं, इतने मामला हम आगे। जमीन सही में आप लोग की है ये? हमारा सही है, ससुर का हमको खरीद गया है, उसमें हम रह रहे हैं, 50 साल से हम रह रहे हैं बाल बच्चा के संग। पहले कोई नहीं आया? नहीं, पहले कोई नहीं। और भी महिलाएं हैं, आप बताइए, आप यहीं की रहने वाली हैं, ये सब जो मामला चल रहा है अब क्या लग रहा है, घर में क्या माहौल? यहाँ हम रेंट पर आते हैं। अच्छा, तो आपके मकान मालिक तो परेशान होंगे? हाँ। क्या बात है? हम अपना बात चलिए देखिए। अच्छा, एक मुस्लिम महिला भी है, ये बताइए कि देखिए इस मामले में एक और चीज हम आपको अपडेट दे दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदू आबादी है वही परेशान है, बल्कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी रहती हैं, वो भी परेशान है। आप बताइए, आप आई हैं, क्या नाम है और क्या परेशानी है? मेरा नाम मेहर तरन्नुम है, मैं पूर्व बबलू पार्षद की छोटे वाली भाई की मतलब बीवी हूँ और मैं इनसे 17-18 साल से परेशान हूँ, ये शुरुआत हम ही से किए हैं और हम जिस तरह से परेशानी 17-18 साल झेले हैं, शायद ही समाज भी मतलब साथ सहयोग नहीं किया, जो मेरे साथ में हमको बेघर कर दिए हैं 17-18 साल पहले से, हम बेघर रेंट पे रहते हैं अभी भी, आज भी रह रहे हैं और आज शायद इन मतलब समाज का ही सह कहिए या मतलब जो भी कहिए, वो इतना मतलब इस तरह का इस माहौल मतलब पैदा हो गया, मतलब उसको हमेशा साथ समाज का मिलता गया और वो आगे बढ़ता गया और ऐसा ऐसा कांड करता ही गया, यानी कि उसको छीनने का और मतलब बहुत तरीके से उसको क्या, यानी आपके अपने वो जेठ हैं और आपकी जमीन छीन ली। देखिए कि आने के बाद ये पता चल रहा है कि जब अपने ही भाई की जमीन कोई छीनेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वक्त की आड़ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या नाम